यूपी के जहांगीराबाद के संस्कार फार्म हाउस आयोजित राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस का किसान दिवस के रूप में बड़े स्तर पर मनाने की रणनीति बनाई गई है। वहीं बैठक में मुख्य अतिथि संगठन के प्रदेश प्रभारी उपेंद्र चौधरी के विशेष अतिथि किसान नेता मीर सिंह चौधरी व पूर्व विधायक चौधरी होशियार सिंह ने केंद्र व प्रदेश की सरकारों में किसान व मजदूरों के हो रहे शोषण पर चिंता व्यक्त करते हुए और किसान और मजदूरों को एकजुट होकर अपने हक के लिए संघर्ष करने के तैयार रहने का आह्वान किया। बैठक में ये निर्णय हुआ कि चौधरी साहब का जन्मदिन किसान दिवस के रूप में बुलंदशहर में भव्य तरीके से मनाया जाए। इसमें पूरे जनपद से जो सिद्धे चौधरी चरण सिंह जी के समर्थक हैं, फॉलोवर हैं और किसी भी दलों में हैं, उनको सबको आमंत्रित करके और चौधरी साहब के जो पूरे जीवन के संघर्ष के उनके आचार रहे, विचार रहे, किसानों के लिए संघर्ष किया, उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। कौन से बेरंतले कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जी? कौन से बेरंतले कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? बैनर तल है, अभी तो बैनर तल है तमाम हमारे किसान संगठनों का और अन्य उनका है, पार्टी का अभी इसी में किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देश के नौजवानों का, युवाओं का, किसानों का, उस तरीके से ये रखा जाएगा किसान संगठनों के रूप में। और प्रोग्राम ये और बाकी और कोई बात पूछनी हो तो बता। सरकार किसानों के हित में कार्य सही कर रही है जी? सरकार किसानों के हित में कार्य सही कर रही है? सरकार पिछले तीन सीजन आ गया गन्ना किसान का, इस सरकार ने एक रुपया भी अभी तक किसानों के गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया। पहली बार जो किसानों का नाम लेके किसानों के डेढ़ गुना लाभकारी मूल्य देने का जो सरकार बात करती थी, उस सरकार ने कोई भी आज तक गन्ने का एक रुपया नहीं बढ़ाया। इस वजह से ये किसानों के हित में सरकार काम नहीं कर रही। खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया के, जहां पर सीतामढ़ी से जयपुर राजस्थान जा रही टूरिस्ट बस देवरिया कुशीनगर हाईवे पर टोल प्लाजा के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 30 यात्री घायल हो गए, जिनका इलाज कुशीनगर सहित विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है, जिसमें कुछ की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। वहीं घटना की सूचना पर देवरिया व कुशीनगर के जिला अधिकारी SSP ने घटनास्थल का जायजा लेकर बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया। महुआ जिले में बच्चों के क्रिकेट के माध्यम से फिटनेस में बढ़ावा देने के लिए महुआ क्रिकेट चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में 16 साल से कम आयु के बच्चों ने हिस्सा लिया और इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को खेलकूद में बढ़ावा देने से, ताकि बच्चे मोबाइल की दुनिया से निकलकर अपना स्वास्थ्य को सही रख सकें। ये महोबा क्रिकेट संघ के द्वारा आज मैच रखा गया है, जिसमें मेरा एकेडमी और लोकल से बाकी उनके क्रिकेटर्स अंडर 16 उनका मैच था, आज उसी का उद्घाटन था। इसके अलावा जो यहाँ पे 1098 का नया कैंप लगाया गया, ताकि बच्चों को इसके बारे में, बच्चों के राइट्स और उनके साथ अगर कुछ गलत होता तो क्या कराया जाना चाहिए, उसके बारे में जानकारी मिल सके। खेलकूद का ये जो यहाँ ये प्रोग्राम है, इसमें इनके द्वारा बताया गया है कि निःशुल्क भी काफ़ी कुछ इसमें ट्रेनिंग व्रेनिंग कराते हैं, बहुत ही अच्छा है। और जो आज के समय में बच्चे जो ज़्यादातर मोबाइल के बीच में घुसे रहते हैं, मैक्सिमम टाइम जो मोबाइल और उसी में लगे रहते हैं, तो उससे बाहर निकलने का, और बहुत सारे बच्चे जो अभी इसका एडिक्शन हो चुका है, उससे उसको बाहर निकलने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए खिलाड़ी? बस यही देना चाहेंगे कि जो भी करे, मतलब मोबाइल से बाहर निकले, आज के टाइम की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, बाहर निकले, खेलकूद में आए, उससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और साथ साथ जो मेंटली स्टेबिलिटी है वो भी ज़्यादा बेहतर होती है। यही मेरा संदेश है कि बहुत अच्छा करें और आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी RK तिवारी ने अचूक निरीक्षण करने के लिए अचानक गाजियाबाद के नगर निगम दफ्तर पहुँच गए। वहीं उनके यहाँ पहुँचने पर अधिकारियों में हड़कंप मच गया और अधिकारियों में आनंद फानंद में मौके पर पहुँच गए। गाजियाबाद के DM और नगर आयुक्त के अलावा गाजियाबाद SSP और तमाम पुलिस बल नगर निगम पहुँच गया।
वहीं चीफ सेक्रेटरी ने अचानक ही नगर निगम के अंदर और बाहर का जायजा लेना शुरू कर दिया और कई कमियां देखने के बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आए।